बचपन में, बचपन मतलब क्लास 11-12 में मेरे क्लास के लड़के बाइक से स्कूल आते थे। अब चलिए स्कूल में तो उतने बच्चे बाइक से नहीं आते थे, पर कोचिंग में बहुत आते थे। मसलन कोई पल्सर से आ रहा है, कोई करिश्मा से आ रहा, स्प्लेंडर वाले भी थे, और फिर आते थे हम जैसे बच्चे साइकिल से आने वाले। अब ऐसी दुख भरी कहानी भी नहीं है ये, बाइक तो मेरे घर वाले भी अफोर्ड कर लेते। अगर मैं जमीन पे लेट के रोने लगता कि अब बाइक नहीं मिली तो कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, पर ठीक है, मैं भी समझता था, देखा था मैंने अपने घर को। हाँ, ह्यूमन नेचर है भाई, ओसिलेट करता रहता है। जब लड़कों को अपने सामने बाइक पर स्टाइल मारते देखता था तो हमको भी गुड्डू भैया की तरह लगता था कि साली जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो नाक के बाल भी हैं। मम्मी से कहे भी एक दो बार कि बाइक ले लीजिए ले लीजिए। दिन में 3 बजे कोचिंग होती थी मेरी, वो भी घर से 5 किलोमीटर दूर। मेहनत अलग लगती थी, ऊपर से पहले ही सांवले थे, काले होने का डर अलग से था। मम्मी हमारी नहीं मानी तो नहीं मानी। हमारे घर में 2-व्हीलर के नाम पे एक बजाज का स्कूटर था। मम्मी कहती थी साइकिल चलाने में शर्म आती है तो स्कूटर चलाओ। अब साली स्कूटर 90s का पुराना वाला मॉडल, मेरा उसे चलाने का और मन करता ही नहीं था। मतलब एक तो खटारा थी, ऊपर से कोचिंग पे सब आते थे बढ़िया बढ़िया बाइक से, तो अब जितना भी ज्ञान पेल ले लोग कि तुम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, पर थोड़ा इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आ ही जाता है यार।